नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप हेडलाइन देख सकते हो यहाँ पे, 2555 एसएमसी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी, नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है उनको। आप देख सकते हैं, अमर उजाला नेटवर्क द्वारा ये न्यूज़ लगाई गई है जस्ट नाउ 24 नवंबर 2020 5:10 पे लगाई गई है। तो बात कर लेते हैं इसमें क्या बोला गया है, क्या पूरी डिटेल है न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी जो भी ट्यूटोरियल्स वीडियो होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। और शेयर कर दें फ्रेंड्स के बीच में, और फुल सपोर्ट करें चैनल को, लाइक भी कर दिया करें वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। तो चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट के नियुक्तियों को खारिज करने के आदेश को पलट दिया है। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष याचिका जो थी, मंगलवार को जो आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के दुर्गम और दुर्गम क्षेत्रों में बीते 8 वर्षों से सेवा दे रहे 2555 एसएमसी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। इन शिक्षकों की सेवाएं स्कूलों में जारी रहेंगी। हाई कोर्ट ने इन अध्यापकों की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुनाया था। प्रार्थी कुलदीप कुमार और अन्य ने सरकार की ओर से स्टॉप गैंग अरेंजमेंट के नाम पर की गई एसएमसी भर्तियों को हाई कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि इन शिक्षकों की नियुक्तियां गैर कानूनी हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। प्रार्थियों को यह भी दलील थी कि इन शिक्षकों की भर्तियां आरएमपी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो बात कर लेते हैं, इसमें देख सकते हैं आप कि इन नियुक्तियों को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, बट राज्य सरकार ने 6 महीने के भीतर नियमों के तहत नियुक्त शिक्षक नियुक्त करे। सुप्रीम कोर्ट ने एसएमसी अध्यापकों का कहना था कि वे वर्ष 2012 से पहले से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के सेवा दे रहे हैं। उनका चयन सरकार के नियमों के तहत किया है। उधर हिमाचल सरकार इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से भी एसएलपी दायर की थी, तो जिसका फैसला आज आ गया है। ऐसे में मौजूदा कोरोना संकट को देखते हुए इनकी सेवाएं फिलहाल जरूरी रखी गई हैं। तो फिलहाल तो इनकी नियुक्तियां जो हैं वो रद्द नहीं की गई हैं, कंटिन्यू किया जाएगा इनको कोरोना को देखते हुए। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें कि हमने बात की कि जो भी एसएमसी टीचर हैं उनके लिए खुशखबरी है, फिलहाल उनकी जो सेवाएं हैं वो कंटिन्यू की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस, और लाइक कर दें, और कमेंट करके अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है आपकी, तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।